दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका 10th या 12th में 60% से कम मार्क्स है तो आप प्लेसमेंट कैसे पा सकते हो। दोस्तों, हमारा भी जो 12th का मार्क्स था वो लेस देन 60% था, अबाउट माई मीन्स अबाउट 58 और 50%, मतलब 55 to 60 के बीच में था। ठीक है, मैं आपको अपना स्कोर कार्ड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। और जो 60% से लेस आने का रीजन था वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, अपने मार्क्स देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों 60% से लेस था। ठीक है, बट हमें आज की वीडियो में जानना है कि हमें प्लेसमेंट कैसे मिला। ठीक है, और आप क्या अप्रोच अपना सकते हो, मैंने क्या अप्रोच अपनाया था जिससे कि हमारा प्लेसमेंट हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक चीज दिमाग में रखना है कि जब कॉलेज की प्लेसमेंट स्टार्ट होगी उस समय हमें पैनिक नहीं होना है। सबसे पहला चीज है पैनिक नहीं होना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अदर स्टूडेंट हैं जिनकी मार्क्स 60% से अबव है उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी में 10 कंपनी आई, उसमें से 8 कंपनी ऐसी आई जो बोल रही है कि नहीं, थ्रू आउट 60% है, यानी 10th 12th बीटेक में 60% है, तभी जाकर के आप हमारे प्लेसमेंट सेशन में बैठो, वरना आप मत बैठो। ठीक है, इन चीज से आपको डरना नहीं है, ये चीज होगी, ये चीज आप दिमाग में घुसा लो कि नहीं, ये चीज तो होनी ही है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में घुसा लोगे ना तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 कंपनी आएगी ना उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, और उसके लिए हमें ऐसे प्रिपेयर करना है ना कि उसमें अगर हम बैठे तो हम प्लेसमेंट लेकर ही छोड़े। ठीक है, और हमारा भी ऐसे हुआ था जब हम लास्ट फाइनल ईयर में थे, तो मतलब बहुत पैनिक होते थे और हम भी टीचर से पूछा करते थे, यार मतलब सर हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा यार, पेरेंट्स का मतलब पैसा तो बर्बाद हो गया। मैं फिर अपने सीनियर से पूछा करता था। ठीक है, मैं कुछ गूगल सर्च भी किया करता था, यूट्यूब देख कर मतलब जानने की कोशिश करता था, यार मतलब पहले वाले बंदे ने क्या करा कि उसका प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने क्या करा। 60% से कम होने के बावजूद भी हमें अच्छी प्लेसमेंट लगी थी, और जो हमारी कॉलेज की एवरेज CTC थी ना, जो बंदों को मिल रही थी, उससे अच्छी हमारी प्लेस मतलब CTC थी उस समय। तो दोस्तों, मैंने बताया कि उस 2 कंपनी के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला करना है कि आपको जो डिफरेंट सेमेस्टर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी। लगभग हमें 8th सेमेस्टर में लगभग 46 सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, बट आपको 46 ही 46 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। आप हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, संजीत भाई क्या करो, मैं हमें नहीं पढ़ने, मतलब फिर पास कैसे करूंगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 या 7 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिर आपको मैकेनिकल्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फिर या सी या कोई अदर लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, बट फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी उस पर। और जो 6 सब्जेक्ट्स है ना, आप उसको उतना ही पढ़ो जितना से आप एग्जाम पास कर जाओ। एग्जाम पास करने के बाद उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करना है, अपने आप को फोकस पे ध्यान देना, आपके जो गोल है ना उस पे ध्यान देना है। तो ये जो मतलब 46 सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगी, उसमें से आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट, काउंट करके 5 सब्जेक्ट। मैं बताता हूँ कौन कौन से। ठीक है, इन जो टोटल ये पढ़ाई जाएगी सिलेबस, उसमें से 3 या 4 आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपको कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पकड़ना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे जावा हो गया, मैक्सिमम कॉलेज में पढ़ाई जाती है जावा, पाइथन, ठीक है, C++ कुछ कॉलेज पढ़ाती हैं, और सी सी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, बट ये तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जावा को आप पकड़ लो, क्योंकि जावा को पकड़ते हो ना तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाओगे। ठीक है, और आपको गूगल या अदर सोर्सेज पे आपको उसकी इंटरव्यू क्वेश्चंस इजीली मिल जाती है। तो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, उसको आप अच्छे से करो, इस लेवल में करो ना कि आपको यदि जावा से क्वेश्चंस किया जाए तो आप अबव 70% क्वेश्चंस को बता सको। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारी होगी कौन सी, जावा। सेकेंड हो गई, हमें क्वेश्चन किया जाता है जो इसमें इंटरव्यू में, वो है डेटा स्ट्रक्चर। कुछ लोग बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेटा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ जाओ,
तो आप क्या कर सकते हो ना कि डेटा स्ट्रक्चर की है ना कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हो जो मैंने करा था। मैंने क्या क्या करा था, लिंकेड लिस्ट, स्टेक, क्यू, ठीक है, आप फिर ट्री देख सकते हो, और आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये जो छह टॉपिक्स है ना, ये छह टॉपिक्स को गांठ बांध के अपने दिमाग में घुसा लो। मैं बोलता हूँ ना 90% इंटरव्यूअर्स ना इसी छह टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस करेंगे। उसमें भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि किसमें से ज्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये दो टॉपिक्स है ना, इसमें से आपको कोड भी दिया जा सकता है, तो छोटा मोटा जो इसका कोड होगा आप कोड कर लो, ठीक है। ट्री, लिंकेड लिस्ट, आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो आप इस पे थ्योरी पे ध्यान दो, प्रोग्रामिंग करने की उतनी जरूरत नहीं है इन दोनों की, ठीक है। स्टेक एंड क्यू से थ्योरेटिकल और आपको ये प्रोग्रामिंग दोनों की जाती है, स्टेक क्यू एंड एरे आप देख लेना थोड़ा वो, ठीक है। तो इन पे प्रोग्रामिंग एंड थ्योरेटिकल दोनों की जाती है। तीन छह टॉपिक्स को आप डेटा स्ट्रक्चर से कवर हुआ, ठीक है। तो दो हमारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई। तीसरी है हमारी डेटाबेस। डेटाबेस क्या है ना कि आपको जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है उसमें आपको ह्यूज सिलेबस पढ़ाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज पढ़ाई जाती है, और उसमें 60-70% आपको थ्योरेटिकल चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको सारी की सारी चीज को कवर नहीं करना है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको लग जाए कि यार सनीत भाई क्या बोल रहे हो बार, मतलब हमें कवर नहीं करने, ये भी नहीं पढ़ने, वो भी नहीं पढ़ने। हाँ, मैं ये रियलिटी बोल रहा हूँ, जिनकी 60% से लेस मार्क्स है ना, आप सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने जाओगे ना, तो आप उस लेवल तक सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ ना, इसको आप अच्छे से कवर करोगे ना, तो इसके डेप्थ तक जा सकते हो, और इंटरव्यूअर्स इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो इस क्वेश्चंस पे आप डेप्थली मतलब कि अंदर तक उसे एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, जावा बता दिया, डेटा स्ट्रक्चर बता दिया, अब तीसरा मैं डेटाबेस बता रहा था। डेटाबेस में आपको थ्योरेटिकल उतना ही करना है जितना कि आप गूगल पे सर्च करोगे कि इंटरव्यू में डेटाबेस से कौन कौन क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, उतना देख लो आप, थ्योरेटिकल के लिए काफी है। बट जो प्रैक्टिकल चीज है जो कि इंटरव्यूअर दे देते हैं, क्या करते हैं कि मतलब आपको वो क्वेरी दे देंगे कि भाई हमें ये कंडीशंस है, क्वेरी लिख के दिखाओ। जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि एक डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स हैं, और उन बहुत सारे यूजर्स में उन यूजर का हमें लिस्ट चाहिए जिनकी नाम एस से स्टार्ट होती हो और एन से खत्म हो जाती हो, ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको लाइक ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर से आप इसकी क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत एसक्यूएल का क्वेरी, थोड़ा बहुत नहीं, अगर डेटाबेस कर रहे हो तो डेटाबेस का थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत करो, बट एसक्यूएल की क्वेरी पे अपना कमांड बना लो। यदि हमें क्वेरी देता है तो हम मैक्सिमम क्वेरी को लिख पाएंगे, ठीक है। हमारी हो गई तीसरी चैप्टर कंप्लीट, यानी कि तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होगा प्लेसमेंट्स के लिए। चौथी है हमारी, बोलो क्या, कॉन्फिडेंस। ये चीज ना बहुत हेल्प करती है आपको प्लेसमेंट टाइम में। तो आप जो भी करना ना, जो भी बोलना इंटरव्यूअर के सामने, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना। लैंग्वेज आपको मैटर नहीं करती है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ठीक है। इंग्लिश में बोल भी रहे तो आप धीरे धीरे, यदि आपको उतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, आप धीरे धीरे प्यार से बोलो। इंटरव्यूअर को चाहिए कि आप इस बंदे के पास टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस से बोलो आराम से, जैसे कि मान लो आप इन सारे टॉपिक्स को कवर किए हो ना, तो इसमें से मान लो कि 10 क्वेश्चन की गई, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज है, उस 6 क्वेश्चन को तो एकदम रगड़ के बता दो, ठीक है। एक क्वेश्चन को एकदम रगड़ रगड़ के, मतलब 6 जो क्वेश्चन है 6 को रगड़ रगड़ के बताओ, मतलब हर एक डेप्थ तक बताओ, जितना आपको पता है अंदर से, जितना आ रहा है भरास, सारी उस 6 में निकाल दो। दो ऐसी मतलब क्वेश्चंस होगी, ऐसा हो सकता है दो ऐसी क्वेश्चंस होंगी जिसकी आपने नाम सुनी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, ठीक है। उसे क्या करो ना, उसे कॉन्फिडेंस के साथ, मान लो 2 लाइन ही आपको आती है ना, 2 लाइन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चिपका दो इंटरव्यू के सामने कि ये वाली चीज ये है, ठीक है। उसके बाद बोलो कि मैं मतलब उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये चीज है, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इंटरव्यू कर लगे नहीं, मतलब इतना बता दिया बंदे ने, पढ़ा है इसके बारे में, मैं वही हो सकता है कि अभी बोल रहा है। जो 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आती है ना, आप वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल दोगे अनेबल टू रिकॉल इट, या
मैं इसे उतने अच्छे से ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बाद में इसको मतलब कभी इंटरेक्ट करेंगे आपसे तो बता दूंगा, या मतलब अभी मैं उस लेवल पे नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यूअर को इतना समझ में आएगा, बंदे ने तो पढ़ा है भाई, 6 क्वेश्चन अच्छे से बता दिया, 2 क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर दे दिया, 2 क्वेश्चन नहीं दे पा रहा। हो सकता है ये जो 2 क्वेश्चन आप नहीं आ रहा है ना आपको, ये स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब उस समय आप कॉन्फिडेंस लूज मत कर जाना यार, मैंने तो दोनों का दोनों क्वेश्चन लीव कर दिया, मैंने बता ही नहीं पाया, अब तो मेरा गया। नहीं, लास्ट क्वेश्चन में भी आप इंप्रेशन इंटरव्यू के सामने बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया चौथी चीज। और मैं और इसका क्या बता दूं आपको, हाँ तो ये चीज 4-5 चीज है ना, ये आप कर लोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी प्लेसमेंट होगी। और आपकी प्लेसमेंट सिर्फ होगी नहीं, वो जो 60% वाले बंदे हैं ना उससे अच्छी प्लेसमेंट आपकी होगी। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी 60% से कम प्लेसमेंट थी, और वो जितने पे हायर हुए ना वो 1 से 1.5 साल 2 साल 2 साल के अंदर में 100% हाई ले चुके हैं। यानी कि वो 6 लाख पे हायर हुए थे ना तो आज वो 10 लाख 12 लाख पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये तुम्हें मुझे मतलब बताने नहीं चाहिए ओपिनली, बट हाँ मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ ना कि वो जो 60% वाले हैं उससे आपकी अच्छी प्लेसमेंट होगी। ये सारी चीज को आप कवर कर लो। और भी एक दो टॉपिक्स हो सकते हैं, एक दो मतलब सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें कि आपको इंटरेस्ट लगे। आप एक्स्ट्रा जैसे कर सकते हो, एआई के बारे में जान सकते हो, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, इन सारी चीजों मतलब कोई भी एक, इन चार मैंने जो 3-4 चीज मतलब सब्जेक्ट बताया उसके अलावा ये मतलब कोई भी आपको जो भी इंटरेस्ट हो वही एक सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो एडिशनल आप इंटरव्यू के सामने डालने के लिए कि भाई ये मूवी मुझे आता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मतलब भाई हमें प्रोजेक्ट्स भी तो बनाने पड़ते हैं, कुछ इंटरव्यू और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट करा है कि नहीं करा है। ठीक है, तो आप यूट्यूब से देख करके, यूट्यूब पे बहुत सारी रिसोर्स है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जाकर कुछ खरीदो। ठीक है, आप यूट्यूब पे बैठो, यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो देखो, छोटा सा प्रोजेक्ट कर डालो। और ऐसा ना मत करना कि पूरा देख देख के बाय बाय मतलब वन बाय वन देख के ही कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो उसके बारे में समझो। छोटा ही मतलब मान लो आधे घंटे की वीडियो की मतलब 1 घंटे की वीडियो की प्रोजेक्ट्स होगी, बट उस प्रोजेक्ट को करो ना तो उसको गूगल पे सर्च कर करके, चैट जीपीटी आजकल के जमाने में अच्छा हो गया, कोड उठाओ चैट जीपीटी चिपकाओ और चैट जीपीटी को बोलो कि भाई ये मेरे को समझा इसमें करा क्या इसने। ठीक है, वैसे समझ समझ के एक प्रोजेक्ट बना लो, अपने रिज्यूमे पे डाल दो, और इंटरव्यूअर यदि पूछे तो आप इसको डाल करके जो आपने चैट जीपीटी से पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आप क्लास के टॉपर बनने के चक्कर में सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश मत करना है। आपको 4 साल है, 4 साल में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, बहुत ही आसान है, आराम से आप 1 साल में एक टॉपिक सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगली वीडियो में आपको उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और आपको वेरिफिकेशन करने हैं तो हमारे मैं अपना क्या बोलता हूँ 10th 12th का सर्टिफिकेट डाल दूंगा, आप देख पाओगे कि मेरा भी 10th एंड 12th में 60% से अबव मार्क्स हैं।